खेतड़ी के जोजूधाम स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भरा मेला। जोजूधाम स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में चल रहे दो दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव के दूसरे दिन सुबह तपोवन आश्रम के वृंदावन महंत विद्यार्थी महाराज के सानिध्य में भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि की पूजा के साथ महोत्सव और लक्खी मेले का शुभारंभ किया गया। पूरे दिन मेले में ग्रामीण महिला व पुरुषों की भीड़ रही। सुरेश कानोडिया व निर्मल कानोडिया की मुख्य यजमानी में पंडित ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री गणेश के मोदक का भाग लगाकर महाआरती का आयोजन किया। देर शाम को मंदिर प्रांगण में युवा नेता व पर्यावरण प्रेमी मनोज घुमरिया भी पधारे। 31/8/2022 को श्री गणेश जी का भव्य मेला शुरू किया गया है, जिसमें 251 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया है संस्था के द्वारा, और पब्लिक बराबर भगवान के दर्शन करने के लिए आ रही है। खेतड़ी के जोजूधाम स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भरा मेला। सिंघाना के गंगा मंदिर में गणेश प्रतिमा की गई स्थापना। कस्बे के गंगा मंदिर में गणेश चतुर्थी के दिन नवयुवक मंडल द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। बुधवार को गणेश चतुर्थी के पूरे दिन विधि विधान व पूजा पाठ से गणेश प्रतिमा की सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों की भीड़ के साथ मूर्ति की स्थापना की गई। परमानंद शर्मा व मुन्ना राजौन ने बताया कि गणेश चतुर्थी से शुरू कार्यक्रम 3 दिन चलेंगे। सुबह शाम गणेश जी की आरती की जाएगी, फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। वही 4 सितंबर को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर अक्षय मीणा, विशाल, मैक्स कुमार, अमित शर्मा, देवेंद्र, रवि वर्मा, योगेश, राजेंद्र, प्रदीप, जेडी, मुकेश सैनी, पिंटू भार्गव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। माँ का स्थापना की गई है, जो आज 31 अगस्त 2022 को स्थापना की गई है, और यह 4 सितंबर 2022 को इसका विसर्जन संध्याकालीन में किया जाएगा। यहाँ पर नवयुवक मंडल के द्वारा यह प्रोग्राम किया जा रहा है, जो बड़ा ही सराहनीय है, और एक अच्छी बात है कि नौजवानों के अंदर संस्कार बने हुए हैं जो समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा के साथ दिन भर चला प्रसाद वितरण कार्यक्रम। रामकृष्ण मिशन आश्रम में अजित विवेक संग्रहालय के आगे विराजमान गणेश जी की प्रतिमा पर स्वामी आत्मनिष्ठ महाराज के नेतृत्व में पूजा पाठ की गई। मोदक का प्रसाद चढ़ाया गया तथा पूरे दिन प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी चला। मिशन के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठान महाराज ने बताया कि लोगों की आस्था के प्रतीक गणेश जी चतुर्थी पर विराजमान गणेश जी की पूजा पाठ की गई तथा दिन भर प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें खेतड़ी कस्बे के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गणेश चतुर्थी पर खेतड़ी में चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। स्वामी विवेकानंद मिशन में आत्मनिष्ठानंद जी महाराज के सानिध्य में गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया है। यह बहुत ही सुंदर आयोजन है। पूरे दिन प्रसाद वितरण किया जाएगा और इस तरह के आयोजन खेतड़ी में हमेशा बने रहते हैं। खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा के साथ दिन भर चला प्रसाद वितरण कार्यक्रम। रामकृष्ण खेतड़ी के ऐतिहासिक दरवाजे पर की गणेश पूजा। खेतड़ी के मुख्य द्वार ऐतिहासिक कोतवाली दरवाजे में आज गणेश चतुर्थी महोत्सव पर दरवाजे के दोनों तरफ लगे गणेश प्रतिमाओं की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। सिंदूर चढ़ाकर महाआरती की गई, वही प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान राजकुमार चौधरी, पूर्व अग्रवाल समाज अध्यक्ष बुधराम गुप्ता, रामू दादी, श्यामलाल सैनी, राधेश्याम काकरिया, नितेश गुप्ता, रमाकांत वर्मा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। वही ग्रामीणों ने बताया कि गणेश के मुख्य द्वार पर मूर्तिमा बनी हुई है, जिसका खेतड़ी के अंदर आगमन है, जिसको लेकर आज विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। ये खेतड़ी ठिकाना का दरवाजा है, इसे अनाज मंडी के ऊपर स्थित है। इस दरवाजे पे गणेश जी की स्थापना ठिकाने के टाइम से हुई हुई है। इसके दोनों साइड गणेश जी की स्थापना है, और आज इसके सिंदूर और पुष्प साल में दो बार इसकी पूजा की जाती है। खेतड़ी के ऐतिहासिक दरवाजे पे की गणेश पूजा। लोयल के विद्यालय में नवनिर्मित पानी की टंकी का किया उद्घाटन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोयल में रामचंद्र काजला व रामस्वरूप काजला की स्मृति में उनके पुत्र वीरेंद्र काजला व परमेंद्र काजला द्वारा नवनिर्मित पानी की टंकी का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता सरपंच महेंद्र काजला ने की। प्रधान मनीषा गुजर, बजरंग सिंह चारावास, झंडूराम गुजर विशिष्ट अतिथि थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विद्यालय कोष में विधायक कोष से क्वार्टर कूलर लगाने व जिम के सामान के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की तथा प्रधान मनीषा गुजर ने गाँव वालों की मांग पर गाँव में सीवरेज लाइन डलवाने की घोषणा की। उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व सरपंच रामचंद्र जी की स्मृति के अंदर उनके पुत्रजनों ने, परिवारजनों ने आज ये पानी की टंकी का यहाँ पे अपना शुभारंभ किया है। इस दौरान कार्यक्रम में आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
सिंघाना में कर्मचारी जिला सहायक संघ के अध्यक्ष का हुआ सेवानिवृत्ति कार्यक्रम। सिंघाना के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आज जिला कर्मचारी सहायक संघ के अध्यक्ष बाबूलाल सोनी का आज सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंघाना में वार्ड बॉय के पद पर तैनात रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएससी प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी ने की। इस दौरान स्टाफ द्वारा माला वसाफा पहनाकर बाबूलाल सोनी को सम्मानित किया गया, वहीं उपहार स्वरूप भेंट भी किए गए। इस मौके पर सीएससी स्टाफ मौजूद रहा, साथ ही डीजे पर नाचते गाते सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल सोनी को घर तक विदाई दी गई। सिंघाना में कर्मचारी जिला सहायक संघ के अध्यक्ष बाबूलाल सोनी जी की वार्ड बॉय के पद पर यहाँ कार्यरत थे, उनका सेवानिवृत्ति प्रोग्राम किया गया। उनकी पहली ज्वाइनिंग 1983 में थी और अब उसकी जो सेवानिवृत्ति आज 31 अगस्त 2022 को सीएचसी सिंघाना में उनका सेवानिवृत्ति। खेतड़ी के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भजन संध्या का हुआ आयोजन। खेतड़ी स्थित जोजूधाम आश्रम के गणेश मंदिर में देर शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी व पर्यावरण प्रेमी मनोज घुमरिया रहे। इस दौरान एक से बढ़कर एक भजनों की व सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। विजेंद्र भार्गव एवं पार्टी के कलाकारों ने भजन संध्या में भजन गाए गए। इस दौरान सजीव झांकी भी सजाई गई, वे सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा नृत्य पेश किया गया। करीब 10-15 सालों से देख रहा हूं कि आप लोग भगवान गणेश जी का ये जो महोत्सव है, सिद्धि विनायक महाराज का जो प्रोग्राम बड़ा धूमधाम से होता है, ऐसी भावना है जो जीवन में सदा ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। खेतड़ी के सिद्धि विनायक